मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी उम्मीदवारों के लिए एक बार फिर चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। सीएम चौहान ने नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा में आम सभा को संबोधित किया। इसमें उन्होंने पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ के पुलिस अफसरों पर दिए गए एक बयान पर पलटवार किया। सीएम चौहान ने कमलनाथ को लेकर कहा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जब बस सीएम थे तब भी पुलिस प्रशासन के लोगों को धमकाते थे और आज भी यही कर रहे हैं। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव में हार की वजह से यह उनकी बौखलाहट है। सीएम रहते उन्होंने हमारी कई योजनाएं बंद कर दी थी, लेकिन इस तरह हमारे पुलिस प्रशासन को डराना धमकाना उन्हें महंगा पड़ेगा। सीएम शिवराज ने कहा कि हमारा प्रशासन निष्पक्ष काम कर रहा है। कमलनाथ जी ने कन्या विवाह में बेटियों को 51,000 रुपए देने की बात कही थी। बेटियां विदा होकर ससुराल चली गई हैं। गोद में बेटा बेटी भी आ गए हैं, लेकिन कमलनाथ जी ने देला भी ना दिया है। बेटियों तक को कांग्रेस ने धोखा देने का पाप किया है। गरीब को इलाज के लिए हम मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से राशि देते हैं। किसी गरीब के इलाज के अभाव में मौत हो जाए हम ये नहीं होने देते हैं। अब तो आयुष्मान भारत योजना भी है जिसमें राज्य सरकार भी पैसा मिलाती है। मेरे भाइयों बहनों, नगरों का विकास अध्यक्ष और पार्षद की जिम्मेदारी है। सीएम शिवराज से सिवनी मालवा नगरी क्षेत्र में हुए काम गिनवाए साथ ही उन्होंने बीजेपी का नगर पालिका का घोषणा पत्र भी मांगा और कहा कि आपने नर्मदापुरम विकास के लिए जो मांग की है मैं एक एक मांग को पूरा करके दूंगा। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं जब से मुख्यमंत्री बना हूँ मैया की कृपा और आपके आशीर्वाद से मैं पैसे का इंतजाम कर लेता हूँ। ये जो संकल्प पत्र बनाया है इसे पूरा करने का काम मामा करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता गड़बड़ करेगा तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हम जनता के सेवक हैं। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, सिवनी की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे भांजियों की, मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय बृजेंद्र सिंह जी, यहाँ के लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय श्री राव उदय प्रताप सिंह जी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, अभी जब मैं इटारसी आया था तो उन्होंने मुझे कहा था कि सिवनी मालवा तो आपको आना ही पड़ेगा, तो तुमने पुकारा और हम चले आए। भाई प्रेम शंकर वर्मा जी हमारे जिले के अध्यक्ष, भाई माधवदास अग्रवाल जी सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष, आदरणीय शिव चौबे जी, भाई राकेश जादौन जी हमारे वरिष्ठ नेता, आदरणीय सरताज सिंह जी, योगेंद्र सिंह मंडलोई जी, संतोष पारिक जी हमारी दो प्रदेश के अध्यक्ष हैं यहाँ, महिला मोर्चे की माया नारोलिया जी, किसान मोर्चे के दर्शन सिंह चौधरी जी, होशंगाबाद जिले का जलवा दिखाई दे रहा है, भाई शंभू सिंह भाटी जी, अशोक जैन जी हमारे, शैलेंद्र दीक्षित जी, अभिषेक जी, रघुवीर जी पार्षद के, हमारे सभी पार्षद के, हमारे सभी 15 हमारे प्रत्याशी भाई और बहने, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका के राजेंद्र जी, यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजी और दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको राम राम करता हूँ। आज बड़ी मुश्किल से पहुंचा क्योंकि मेरा कार्यक्रम पहले था बालाघाट। बालाघाट में मौसम खराब हो गया, हवाई जहाज सब आए हैं गोंदिया जाके, और हेलीकॉप्टर से बालाघाट जाना था तो पता चला पट्टी पर हवाई जहाज वहां उतर ही नहीं सकता, इसलिए मैं पहले जबलपुर गया विमान से और जबलपुर से हेलीकॉप्टर से फिर बालाघाट गया। गिरते पानी में काले बादलों के बीच से निकल के जैसे तैसे बालाघाट पहुंचा।
और फिर मुझे ध्यान था कि प्रेम शंकर वर्मा जी से और उदय प्रताप सिंह जी से मैंने वादा किया है कि सिवनी मालवा तो आऊंगा। पायलट कह रहे थे थोड़ी मुश्किल है, क्या सीधे मंडीदीप चले चले दाएं बाएं से निकाल के। मेरे गांव में जाकर मैंने वोट डाला, लेकिन आज सबसे पहले मुझे आश्चर्य भी है और तकलीफ भी है। देखिए, लोकतंत्र में वोट डालना यह हम सबका पवित्र कर्तव्य है। वोट लोकतंत्र की आत्मा है, मतदान लोकतंत्र का प्राण है। अब मैंने तो वोट डाला, अकेले नहीं परिवार के साथ जेत में डाला। मेरी धर्मपत्नी, दोनों बच्चे, हालांकि मेरी पंचायत निर्विरोध हो गई थी समरस, जनपद निर्विरोध हो गई थी समरस, केवल जिला पंचायत का चुनाव हो रहा था, तो भी मैंने तय किया कि वोट तो मैं डालूंगा। तो जिला पंचायत के सदस्य की वोट डालने में जीत गया, क्योंकि मतदान करना मेरा परम कर्तव्य था। लेकिन कमलनाथ जी, तुमने वोट नहीं डाला। हाँ, कमलनाथ ने वोट नहीं डाला। उनके गांव शिकारपुर में भी छिंदवाड़ा में चुनाव था, मैं वोट डालने जा रहा हूं। और कमलनाथ जी भी सब जगह कह रहे कांग्रेस को वोट देना, कांग्रेस को वोट देना, कांग्रेस को वोट देना। अरे दादा, तूने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो जनता कहां के लिए वोट, बता। कमलनाथ जी ने वोट नहीं दिया, बताओ। अब या तो उनका कांग्रेस में भरोसा ही नहीं है, वैसे ही दादा घूम रहा है इधर से उधर। अब ये कोई बात होती? हम सबसे कहें वोट डाले माननीय कमलनाथ जी मीडिया के माध्यम से, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने वोट क्यों नहीं डाला? क्या आप ये समझते हो कि वोट डालना तो गरीब जनता का काम है? गरीब डाले, किसान डाले, माताएं बहनें डाले, लोग वोट डाले और हम राजा बाबू बने रहे, हम राज कर रहे। मारे कमलनाथ, ये लोकतंत्र का अपमान है, पीछे निकल रहे। ये लोकतंत्र का अपमान है, और जिम्मेदार नेता पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए भी तुमने वोट नहीं डाल के मध्य प्रदेश के मतदाताओं का अपमान किया है। कमलनाथ जी, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। जनता वोट डाले, हम वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि हम बड़े आदमी, ये नहीं चलेगा। मेरे बहनों और भाइयों, इसका हिसाब तो कमलनाथ जी को देना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात ये लगती है कि वो सोचते होंगे कि वोट डाल के मैं करूंगा भी क्या, कांग्रेस जीत भी तो है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से 15 महीने का राज आया था, कल के बाद परसों भी आता है। तुम लोग भाजपा का सपोर्ट कर रहे हो, ये जब मुख्यमंत्री थे तब भी धमकाते थे, और अब मुख्यमंत्री नहीं है, रस्सी जल गई, बल नहीं गया, तब भी धमकाते हैं। जनता और अधिकारी कर्मचारी धमकाने चमकाने में नहीं आने वाले। ये आतंक छातंक का राज नहीं चलेगा कम, ये धमकी देना, ये कौन सी स्टाइल है? लोकतंत्र कब इसकी इजाजत देता है? अब दम बची नहीं कांग्रेस में, तो मैं देख लूंगा, मैं समझ लूंगा। जब तुम्हारा राज था तब क्या देखा तुमने? मेरे बहनों और भाइयों, सिवनी वालों, होशंगाबाद जिले की जनता से, प्रदेश की जनता से मैं कह रहा हूं, इस कांग्रेस ने 15 महीने में विकास के सारे काम ठप्प कर दिए। अगर एक पत्थर कहीं विकास का लगाया होशंगाबाद जिले में तो कोई बता दे। 15 महीना इनकी सरकार रही, अगर कोई विधायक, वैसे तो आम विधायकों से मिलते ही नहीं थे, वो विधायक से नहीं मिलते थे कमलनाथ, बल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था। विधायक, टाइम नहीं है, चलो चलो, तो कई कांग्रेस के लोगों ने कहा कि चलो चलो मामा के संग चलो, यहां कुछ नहीं होने वाला, तो मेरे संग आ गए। और जनता ने फिर उन्हें खूब वोटों से जिता दिया। अब जब उस समय पूछते थे, कहते थे कमलनाथ जी पैसा दे दो, तो कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अरे मामा नहीं, लुटेरा हो गया, खजाना खाली कर गया, मामा खजाना खाली कर गया।
ऐसे मुख्यमंत्री जो रोते ही रहते थे, कमलनाथ जी कहते थे कि मेरे पास पैसा नहीं है। अब मेरे बहनों और भाइयों, ये तो इतना आसान काम है कि कमलनाथ जी को छोड़ के धन्नू पन्ना कल्लू को मुख्यमंत्री बना दो, वो भी कह के मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। ये तो बड़ा आसान काम है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं तो काको बन गया, क्या मुख्यमंत्री को रोने का शिकार है। वो कहते थे पैसा नहीं है, लेकिन प्रेम शंकर वर्मा जी, एक एक बार मांग जो आपने की है मैं पूरी करके दूंगा, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं दम और अहंकार में नहीं कह रहा, मैं मजाक में नहीं कह रहा। मैं जब से मुख्यमंत्री बना हूं, मेरी बहनों और भाइयों, मैया की कृपा, मैं अहंकार से नहीं बोला, विनम्रता से बोला हूं, और आपके आशीर्वाद से मैं पैसे का इंतजाम कर लेता हूं, मैं पैसा ले आता हूं। कई चुनाव और वोट काय के लिए होते, दो काम के लिए होते, एक विकास के काम हो जाए, सड़क बन जाए, पुल पुलिया बन जाए, फ्लाई ओवर बन जाए, अब दो तो आप क्या बन ही रहे, धर्मकुंडी और बनापुरा में दो बन गए, और कहां एक जगह और बनाने का क्या, बनवा देंगे और काय की चिंता करेंगे। जो विकास के काम बताए गए हैं उसी के लिए तो सरकार होती है। हमने पहले भी विकास में कसर नहीं छोड़ी है, और आज भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र यहां पार्षद बैठे पंद्रह के पंद्रह संकल्प पत्र बनाया ना अपना, वो संकल्प पत्र कहा है मुझे भेंट कर देना, मैं वचन दे रहा हूं जो हो सकने वाले काम है लाओ दे दो, अभी हाथ से दे दो। ये जो इनने संकल्प पत्र बनाया है, ये बनाया इनने है, इसको पूरा करने का काम मामा करेगा, आप चिंता मत करो। और हम ध्यान भी रखेंगे, जैन साहब के टाइम में बहुत बढ़िया काम हुआ, बीच में थोड़ी गड़बड़ समझ में आई है, जिसने गड़बड़ करी उसको भी नहीं छोड़ूंगा, ये जवाबदारी हमारी है। मैं मुझे साफ देने में कोई दिक्कत नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी का भी कोई कार्यकर्ता गड़बड़ करेगा तो छोड़ूंगा नहीं उसको भी, क्योंकि जनता के सेवक हैं हम। अगर टिकट फिकट कुछ नहीं दिया, पता चल गया तो मामला साफ, इस बार काम करने वाले नए लोग जाए, और जो विकास के काम, पीने का पानी नर्मदा मैया का आ रहा है, जो जो घर बचे हैं नर्मदा मैया के पानी के बिना, सब घरों में नर्मदा मैया का पानी पहुंचाया जाएगा, चिंता मत कर। आप बट्टे भी देख लेंगे मेरी बहन, जो करेगा मामा ही करेगा, दूसरा कौन करेगा। अब हजारी सेठ तो चले गए, आप अब आप चिंता मत करो, मामा इसी के लिए चौथी बार मुख्यमंत्री बनाए, जिनके पास जमीन नहीं है पट्टा देके उनको मालिक बना दूंगा, चिंता मत करो। अभी मुझे वो मिले थे रस्ते में लोह पीटा भाई में, वो भी 20-21 साल से रह रहे थे, 20-21 साल से रह रहे हैं, 30 से वो भी लोहा पीट रहे। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये गरीब कहां जाएंगे, और इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर हमने फैसला किया है कि कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा, रहने की जमीन का मालिक हर गरीब को बनाया जाएगा। बोलो बनना चाहिए कि नहीं, जोर से बताओ बनना चाहिए कि नहीं। भगवान ने जब पैदा किया है इतना हक तो हमको दिया ही है कि रहने की जमीन का टुकड़ा तो अपना हो। अब शहर में बरसों से लोग रह रहे, गांव के लोगों से भी मैं करूंगा, आज गांव के चुनाव खत्म हो गए, ये बीच बीच बने, बीच बीच बने,
बीच बीच में नहीं है। अब ऐसा ये ऑन डिमांड नहीं होगा कुछ भी, और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि केवल यहां नहीं, अकेले सिवनी में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में, केवल शहर में नहीं, गांव में भी वो गरीब जिनके पास रहने की जमीन नहीं है उनको पट्टा देके ग्रामीण क्षेत्र में भी मालिक बनाऊंगा। ये दृढ़ संकल्प है हमारा, इसको पूरा करके चैन की सांस लेंगे। और मेरे बहनों भाइयों सुनो, दो तरीके से हम जमीन देंगे। नंबर एक, जो जहां रह रहा है बरसों से उसी जमीन पे पट्टा देंगे, और बहुत आवश्यक अगर है विकास के काम के लिए तो उसके वैकल्पिक जमीन पे भी पट्टा देने की योजना बनाएंगे, शहर में भी और गांव में भी। क्योंकि गांव में भी कई जगह, एक जगह में गया तो 50 आदमी खड़े बोले मामा रहने का घर नहीं है, एक ही परिवार के हम 50, तुम इनका रह कहाँ रहे हो? कहले बस एक ही कमरा छोटा सा घर है इसी में रह रहे हैं। मैंने कहा ये 50 कैसे? बोले रे दादाजी के चार बेटा थे, उनकी चार बहुएं आई, उनके चार चार हो गए, उनकी चार बहुएं आ गई, फिर उनके चार चार हो गए, तो अब इतने हो गए, बताओ कहाँ रहेंगे। और इसलिए उस दिन मैंने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाई और ये तय किया कि रहने की जमीन का मालिक तो बनाऊंगा, सास की जमीन पे भी पट्टे देंगे, और कहीं जरूरत पड़ी तो खरीद के भी दूंगा, चिंता मत करना। इस साल अभियान चलेगा पूरे मध्यप्रदेश, पूरे मध्यप्रदेश का अभियान चलेगा। और एक बात और, 21,000 एकड़ जमीन मैंने छुड़ाई है गुंडों से, माफियाओं से, बड़े बड़े दादाओं से। 21,000 एकड़ कितनी छुड़ाई है? कितनी? 21,000 एकड़, जिसकी कीमत है 15,000 करोड़ रुपया। क्योंकि इंदौर जैसी जगह में भी सुनाई है जो बड़े बड़े गुंडे दादा माफिया, मैं कहा चलाओ रे बुलडोजर चला चला के छुड़ाई, जो गड़बड़ करते थे उनकी, वो जमीन भी गरीबों में बांटी जाएगी, डंके की चोट बांटूंगा, और जहां जरूरत पड़ेगी दूसरी जमीन पे भी उनको। लेकिन रहने का हक तो है भाई, कहां जाए आखिर आदमी, पैदा हुआ तो इस धरती पे कहीं तो रहेगा वो। अभी वर्मा जी बता रहे थे, उदय प्रताप जी भी कह रहे थे, कहीं कोई पास पक्का मकान यहां बना है सिवनी मालवा में 2400 पर, और कितने स्वीकृत हो गए? 650 और हो गए। देखिए एक काम और, केवल यही के लिए नहीं, शहरी गरीब भी सुन ले और गांव के गरीब भी सुन ले, जाति समाज से हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, किसी जाति धर्म के हो सब बराबर है हमारे लिए, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, SC ST सबके लिए हम मकान बना के देंगे, मकान बनाने के लिए पैसा देंगे। और आने वाले 3 साल में हमारा टारगेट रहेगा कि कोई गरीब झोंपड़ी में ना रहे, छोटा लेकिन पक्का मकान सबका बन जाए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? कांग्रेस ने कब किया था कोई बता दो, इसलिए तो वोट ही डालने नहीं जा रहे कमलनाथ, कब किया था? देखिए रहने की जमीन, दूसरा मकान। अब आप बताओ, कोविड में राशन की दिक्कत हो गई, पहले से मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में हम 1 रुपया किलो गेहूं चावल दे रहे थे, फिर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तय किया 5 किलो तो फ्री में ही दिया जाएगा, फ्री में राशन देने का काम। बताओ कांग्रेस ने कभी फ्री में राशन दिया था क्या? भारतीय जनता पार्टी दे रही, और पार्षद बैठे हमारे, अभी से शुरू हो जाओ काम में, अपने अपने वार्ड में जो गरीब ऐसा हो जिसको अभी राशन नहीं मिल रहा हो उसकी सूची बना लो, सूची बना के आवेदन दिलवा दो, जो गरीब छूट गए हैं फ्री में राशन की योजना से सबके नाम जोड़ लिए जाएंगे, फ्री में राशन दिया जाएगा पात्र गरीबों को, कोई वंचित नहीं रहेगा। अच्छा कुछ जगह बीच बीच में नहीं बैठी भाई,
कुछ जगह हमारे मित्रों ने कहा कि मामा गड़बड़ हो रही है। मैंने कहा क्या हो रहा है? बोले मजदूर नहीं मिल रहे हैं। मैंने कहा काय को नहीं मिल रहा है? अब बोल तुम फ्री में तो सब दे रहे हो। मैं जैद का किस्सा बताता हूँ, मेरे गांव का। मैं छोटा था तो पहले दो तरह की व्यवस्था होती थी, एक चरवाहे और दूसरे हरवाहे। किसानों को तो पता होगा चरवाहा मतलब छोटा बच्चा रहता था जो गाय बैल भैंस चलाता था, पहट भी चलाते थे सवेरे सवेरे। एक दिन चरवाहा लेट आया तो हमारे घर पे उसको इतना भला बुरा कहा गया, मैं अभी तक मेरी स्मृति में ताजा है। इतनी देर हो गई और जैसी बात करते थे लोग जानते हैं। मैंने कहा जरा सा बच्चा सवेरे 6 बजे से आ गया, गाल तिड़ जाते ठंड में, पांव भी फट जाते थे। तब मेरे मन में तकलीफ हुई, यार इस बच्चे ने कौन सा बात किया है? ये क्या इसलिए पैदा हुआ है कि जन्म लेते ही हाथ में लठिया लेकर गैया और बैल हाँकने लगे? क्या इसको पढ़ने लिखने का हक नहीं है? तब से मेरे दिल में हूक उठती थी कि भगवान ऐसा दिन कब आएगा जब गरीब के बेटा बेटी को भी पढ़ने का मौका मिल जाए। और आज वो दिन आया है कि हमने तय किया है, फ्री में राशन ले लो, फ्री में मकान ले लो। और मेरे बेटा बेटियों सुन लो रे, पूरे मध्य प्रदेश को सुन लेना, कोई जाति और धर्म के हो, सामान्य वर्ग से लेके अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के हो, कमलनाथ ने योजना बंद कर दी थी। और वो योजना ये थी संबल योजना। संबल योजना में हमने तय किया है, इसको नोट कर लेना, ये तय किया है, फिर से मैंने लागू कर दी कि अगर गरीब और निम्न मध्यम वर्ग 2.5 एकड़ के किसान भी नहीं है, 2.5 एकड़ तक के किसान शामिल है, कमलनाथ ने सब नाम कटवा दिया, वो नाम जुड़वाना है संबल, वो नाम जुड़वाना है। और अगर इन बेटा बेटियों को जो 2.5 एकड़ तक के किसान के हैं या बाकी परिवारों के हैं, गरीब हैं, उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, ला कॉलेज, प्राइवेट, सरकारी, कहीं भी होगा तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है 8-10 लाख रुपया साल। अब ये फीस बच्चों के मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। तो बच्चों को पढ़ाएंगे? अरे पढ़ाएंगे। धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला जुम्मन, तेरे बेटा बेटी भी पढ़ेंगे, सब आगे पढ़ेंगे, सबको आगे बढ़ने का हक और अधिकार है। एक नई सामाजिक क्रांति भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश की धरती पर कर रही है, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद साथ। और एक बात और, कमलनाथ जी तुमने तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद कर दी थी, कह दिया 51,000 देंगे शादी कर लो करवाओ, 51,000। अब कई जगह गरीब बड़े उत्साह से आए, 51,000 मिल रहे हैं, शादियां भी हो गई, फेरे पड़ गए, ढोल ढमाके बज गए, डोली उड़ गई, बेटी ससुराल चली गई, साल बर्बाद, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ दादा का पैसा नहीं आया, 51,000 की जगह धेला नहीं दिया। अब ऐसी कांग्रेस जो बेटियों के साथ भी धोखा करे, बताओ उसको वोट दे देना चाहिए क्या? अब मैं कह रहा हूं मेरी बहनों, धूमधाम से मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह होंगे, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, फिर से योजना चालू। एक और इलाज की व्यवस्था, बीमार हो जाए, मेरे विधायक साथियां बैठे, वरिष्ठ नेतागण बैठे, अगर कोई बीमार हो जाए मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की राशि देते, हम किसी गरीब का इलाज के अभाव में मौत हो जाए ये नहीं होने देंगे। लेकिन अब तो आयुष्मान भारत योजना बन गई, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, जिसमें राज्य सरकार भी अपना पैसा मिलाती है। आयुष्मान कार्ड बन रहे, कौन कौन के आयुष्मान कार्ड बने जरा हाथ उठाओ।